केंद्र सरकार द्वारा लाए गए नए कृषि कानूनों को लेकर किसानों में उठा विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा। इन कानूनों के विरोध में विभिन्न किसान संगठन लगातार लामबंद है। इन कानूनों के विरोध में किसानों ने फतेहाबाद में एक बार फिर से हुंकार भरी। विभिन्न किसान संगठनों के आह्वान पर प्रदेश भर में चक्का जाम कर आह्वान किया। फतेहाबाद जिले में आधा दर्जन स्थानों पर किसानों ने प्रदर्शन कर अपना रोष व्यक्त किया। जिले में रतिया, भूना, जाखल, भट्टू और फतेहाबाद इलाके में कहीं प्रदर्शन तो कहीं रोड जाम कर अपना रोष व्यक्त किया। प्रदर्शन के दौरान सरकार विरोधी जमकर नारेबाजी कर नए कानूनों का वापस लेने की मांग की गई। किसान संगठनों से जुड़े किसान नेताओं ने कहा कि सरकार की किसान विरोधी नीति है जो ऐसे कानून बनाए जो न केवल किसानों के खिलाफ है बल्कि कृषि और व्यापारियों के लिए भी परेशानी का सबब बने हुए हैं। उन्होंने कहा कि अगर सरकार इन कानूनों को वापस नहीं लेती है तो किसान संघर्ष का मूड बनाए हुए हैं। आने वाले 26 और 27 तारीख को दिल्ली में बड़ी रैली की जाएगी जिसमें हरियाणा से बड़ी संख्या में किसान ट्रैक्टर रैलियों पर दिल्ली जाएंगे। उन्होंने कहा कि इससे पूर्व फतेहाबाद में 21 तारीख को एक किसान रैली का भी आयोजन किया जाएगा। किसान संगठनों ने सरकार से इन कानूनों को वापस लेने की मांग की है। जो कृषि पर तीन काले कानून लेके आई है मोदी सरकार, उसके खिलाफ पूरे देश में आज 12 से लेकर 4 बजे चक्का जाम है। उसी संदर्भ में फतेहाबाद जिले में किसान संघर्ष समिति 6 जगह रोड बंद किए हुए हैं और ये 4 बजे हमने 3 बजे का फैसला किया, 3 बजे तक हम पूरे ब्लॉक बंद करके रखेंगे, रोडों को ब्लॉक करके रखेंगे और बड़ी लड़ाई देश के किसान दे रहे हैं। इन काले कानूनों के खिलाफ 26 और 27 को दिल्ली के अंदर एक बड़ी रैली करने जा रहे हैं और 21 को फतेहाबाद के अंदर एक किसान रैली होगी और जो 26 को ट्रैक्टर ट्रालियों से किसान दिल्ली की तरफ कूच करेंगे। बड़ा आंदोलन देश में आज़ादी के बाद शायद पहली बार इतनी तादाद में किसान मैदान में है और सरकार को झुकना पड़ेगा और किसान जीतेगा, सरकार हारेगी, ऐसा माहौल बनता जा रहा है।